नमस्कार सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म रञ्जना पौडेलको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार। अनि यहाँ आउनुभएको सबैभन्दा वरिष्ठ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, निकै टाढादेखि आउनुभएको छ, भारतदेखि आउनुभएछ, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा सप्तकोशी टेलिभिजनको यो संवाद कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री राजन स्वामीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सप्तकोशी टेलिभिजनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वामीजी सर्वप्रथम त आपको प्रणाम, स्वागत करते हैं हम हमारे टेलिभिजन में आपको। कुछ बात करना है आपसे, ये धार्मिक मेला महोत्सव जैसे ही लगता है नेपाल में भी, भारत में तो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा बहुत ही प्रचार होता है, बट नेपाल में अभी विभिन्न जात जाति वेशभूषा अनेकों प्रकार का लोग रहते हैं, तो हिंदू धर्म को ही प्रोत्साहन करने के लिए आप लोग यहाँ तक आए हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाएं? बहुत जात जाति संप्रदाय बैठे हैं ना यहाँ पर, तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए, जब तक संसार में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, अज्ञानता के अंधकार में जातियाँ बनती जाती हैं, संप्रदाय बढ़ते जाते हैं और वे अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इससे समाज टूटता है, राष्ट्र टूटता है। इसलिए आवश्यकता है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए सत्य ग्रंथों का प्रचार किया जाए। जब समाज में धार्मिक शिक्षा बढ़ेगी तो वही समाज का निर्देशन करेगी कि हमें मिलजुल करके रहना। वेशभूषा और भाषा से परे धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? धर्म उसको कहते हैं यतो अभ्युत नेश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे प्रजा का कल्याण हो और अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, क्योंकि धर्म क्या है? जो शाश्वत सत्य है वही धर्म है, और जो शाश्वत सत्य है वही परमात्मा है। जब से परमात्मा है तब से धर्म है। पूजा पाठ को धर्म नहीं करते हैं। यदि हमने भगवे वस्त्र धारण कर लिए, सिर मुड़ा लिए, माला पाल ली, तो इसका अर्थ ये नहीं कि धार्मिक हम हो गए। धार्मिकता को दर्शाने के लिए मनुष्य को 10 लक्षणों को धारण करना पड़ता है, धैर्य, क्षमा, दमन, इंद्रियों का दमन, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, धृति, क्षमा, दमन, अस्तियम, शौचम, इंद्रगण, चोरी न करना, पवित्रता, सत्य और अक्रोध। ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। मनुष्य ने कहा है यत किंचित मनु अब्रवीत तत् भेषजम भेषजाया। औषधियों के औषधि क्या है? मनु ने अपनी स्मृति में, जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं, वेद के तथ्यों को धर्म के रूप में जो प्रस्तुत किया है, वो 10 लक्षणों को दिखाया है। लेकिन धर्म कहाँ रहता है? जैसे 4 स्थान हैं यह पहचानने के लिए कि क्या वास्तव में हम धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, हमारे अंदर धैर्य है, सत्य है, इंद्रियों का हम दमन करते हैं, मन की पवित्रता हमारे अंदर है, हमने क्रोध को जीत लिया है, सर्वदा मन वाणी कर्म से सत्य का आचरण करते हैं। तो ये वास्तव में किस कसौटी पर कसा जाए, इसके लिए 4 साक्षियाँ लेनी पड़ती है। पहली वो वेद की साक्षी हो, स्मृति धर्मशास्त्र की साक्षी हो, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, हमारा दिल जानता है कि हम सत्य कर रहे हैं कि असत्य कर रहे हैं, और सदाचार के अनुकूल हो। यदि इन चारों के विपरीत हम 10 धर्म के लक्षणों का आचरण करें हैं और कहें कि नहीं हम ही धार्मिक है, तो ये चारों जो स्वरूप हैं ये दर्शाते हैं कि नहीं आप धर्म के 10 लक्षणों को यथार्थ रूप में पालन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो कसौटी है, धर्मस्य तत्त्वम् नीतम् गुहायाम्। जिस परम गुहा में ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है, उसी अवस्था में आने के बाद ही धर्म के स्वरूप का वास्तविक विवेचन कोई कर सकता है। इसके पहले हम ग्रंथों को पढ़कर, धर्म के 10 लक्षणों को पढ़ करके हम जो आचरण में उतार रहे होते हैं, लेकिन धर्म का वास्तविक स्वरूप वही जानता है जो परमात्मा को जानता है। अन्यथा अलग अलग मान्यताओं को लेकर, संप्रदायों को लेकर हर कोई कहता है कि हम धार्मिक हैं, और लड़ाइयाँ यहीं से शुरू होती हैं। परमात्मा को कैसे जाने? परमात्मा को ज्ञान द्वारा धर्म ग्रंथों के चिंतन से जानते हैं, लेकिन यथार्थ में तब जानेंगे जब हमारी सुरता ध्यान माया से परे होगा, परमात्मा को जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे साक्षात देखेंगे, तब हम जानेंगे। इसके लिए समाधि का आश्रय लेना होगा। यदि धर्म और परमात्मा एक है तो फिर दुनिया में अनेक प्रकार के मत संप्रदाय विभाजित क्यों हैं?
सूर्य का प्रकाश तो हमेशा एक ही होता है, वह कीचड़ पर भी पड़ता है तो कीचड़ को सुखा सकता है, पत्थर पर आता है तो वो गर्म कर सकता है, वही सूर्य का प्रकाश आशीष से पड़ता है तो चिंगारी छोड़ता है। परमात्मा एक है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि को उसके ग्रहण करने की जैसी क्षमता होती है उसको वो अलग अलग रूपों में प्रयोग करता है। जैसे देखा जाए तो बुद्ध ने क्या कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाओ। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है मनुष्य ना बहुत अधिक खाए न थोड़ा खाए, मनुष्य न बहुत अधिक सोए न कम सोए, मनुष्य भोगों में बिल्कुल आसक्त न हो जाए और घर छोड़कर विरक्त भी न हो जाए। जो मध्यम मार्ग होता है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। बात उन्होंने सही की, उनके शिष्यों ने अर्थ लगाया कि शराब ज़्यादा न पिए, कम थोड़ा मात्रा में पी ले तो कोई नुकसान नहीं है। परिणाम क्या हुआ, बहुत भिक्षु मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, यहाँ से पतन शुरू हुआ। कोई महापुरुष कैसे कहता है उसको तोड़ मोड़ कर स्वास्थ्य के लिए जब प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ से संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। अपने अपने स्वार्थ के लिए मनमाने तरीके से संप्रदाय बनते हैं। धर्म तो एक है सृष्टि में, इस्लाम कोई धर्म नहीं, जैन बौद्ध धर्म नहीं, धर्म एक है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। उस धर्म रूपी वृक्ष की किस शाखाओं को हम कितना आत्मसात करते हैं ये हमारे ऊपर है, हमारी योग्यता के ऊपर है। जैसे कुरान आया संसार में शांति के लिए, लेकिन आतंकवाद की जड़ बन गया क्योंकि उसकी आयतों की उल्टी व्याख्या करके संसार में खून की नदियाँ बहाई गई। तो इसमें कुरान का दोष नहीं है, कुरान की व्याख्या करने वालों का दोष है। आपने बुद्ध के बारे में बोले, अब वो वाणी कौन बताएगा? जो बुद्ध ने बताया था वो वाणी अब कौन बताएगा? जो विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक हैं, जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं, उनकी वाणी आपके सामने रखी है। 18,758 चौपाइयों की वाणी है। अभी वो डेलो बहन ने बताया कि उसको 133 भाषाओं में व्याख्या हो चुकी है। आप जिस भाषा में चाहें वो ज्ञानपीठ की वेबसाइट पर ऐप पर उपलब्ध है। संसार में कोई कहीं भी होगा 133 भाषाओं में उसको पढ़ सकता है, 70 भाषाओं में उसकी ऑडियो सुन सकता है। उसमें एक एक सत्य की व्याख्या है, जो वेदों में है नहीं है, उपनिषदों में है, दर्शनों में, संकेतों में है, उसकी विस्तृत व्याख्या उसमें दी गई है। जो अनात्मवादी दर्शन है, जैन बौद्ध क्या कहते हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते हैं उनकी भी शंका का समाधान है। जो कतेब पक्ष के ग्रंथ है, तौरीन तेजिन जबुर कुरान, उनकी भी समस्याओं का समाधान है कि मानव जाति धर्म के नाम पर कैसे भटक गई है। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है और उस परमात्मा के दर्शन का भी मार्ग एक ही होता है। सारे संसार को एक आंगन में स्थापित करने की क्षमता प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी में। जब परमात्मा एक ही है तो धर्म क्यों अनेक? वृक्ष तो एक होता है, उसकी डालियाँ अनेक होते हैं। मैंने कहा कि धर्म एक है, परमात्मा एक है, सत्य एक है, धर्म एक है, संप्रदाय अनेकों हैं। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, कोई भी महापुरुष सत्य को जितना आत्मसात करता है वह उसको प्रचारित करने लगता है, उसके साथ अनुयायियों का एक समूह बन जाता है और ये कहता है कि मेरे गुरु जी ने जो कहा है वही अंतिम सत्य है। वहाँ से एक संप्रदाय का रूप ले लेता है। तो इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग भाषाएँ हैं, ऐसा संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति सारे संसार में अपनी ही बात को फैला सके। अलग अलग भेष भाषा भूषा के कारण अलग अलग महापुरुष अलग अपने सत्य को कहने का प्रयास करते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ उसको विकृत अर्थ में लेती है, परिणाम यह होता है कि संप्रदायों की रचना होती है। जैसे महाभारत काल से पहले कोई संप्रदाय नहीं था, आज हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय हैं और 1200 जातियाँ हैं। इसका कारण यह है कि वेद का ज्ञान लुप्त हो गया और जिसके मन में जैसा आया उसने मनमाना संप्रदाय बना लिया। इस तरह से देखा जाए तो ऐसे ही तरीका से धर्म का प्रचार होने लगा तो संप्रदाय भड़केगा, एकीकृत नहीं होगा ना? एकीकृत एकीकृत बोलते हैं उसको, जोड़ के नहीं रखेगा संप्रदाय भड़केगा, जोड़ के नहीं रखेगा तो ये तो हमको कौन जोड़ेगा अब? मैंने कहा ज्ञान का प्रकाश हो, शुद्ध ज्ञान जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो ये मानता है। देखिए हमारी संस्कृत का क्या उद्देश्य है, जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपस शांति की हम बात करते हैं। हमारी संस्कृत कहती है अयम निज परो वेद गणना लक्ष्यतिसाम उदार चरिता नाम तो बसधायु कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। और यदि इस भावना से हम सबके कल्याण के लिए धर्म का प्रचार करते हैं तो सारा संसार एक आंगन में समा सकता है। लेकिन यदि हम प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, वर्चस्व के लिए यदि प्रचार करते हैं तो वो घातक होता है, क्योंकि सारा संसार जानता है
इस्लाम और ईसाइत की तलवार से आने से पहले वहाँ बाइबल और कुरान पहुँचता है और उन्होंने धर्म की चादर ओढ़कर खून की नदियाँ बहाई हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो ये धर्म प्रचार नहीं हुआ, शक्ति का संगठन हुआ और इसके माध्यम से उन्होंने सारे संसार में साम्राज्य स्थापित किए। हमारी भारतीय संस्कृति ने कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं की, तलवार के बल पर किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश नहीं किया, ये हमारी संस्कृति की मानता है। परमात्मा एक है तो फिर वो साकार है अथवा निराकार है या उससे भी भिन्न है? साकार माया का स्वरूप होता है। जो स्थूल पदार्थ जितने दिख रहे हैं वो पंचभूतात्मक है, त्रिगुणात्मक है, निराकार उसका कारण स्वरूप है। साकार निराकार से प्रकट होता है, महाप्रलय में निराकार में समा जाता है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है, सत सच्चिदानंदमयी है, इसलिए न उसको साकार कर सकते हैं न निराकार कर सकते हैं। अखंड मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या किसी नदी या तीर्थ में स्नान करने से, दान आदि करने से मुक्ति मिलता है? नहीं, ये तो शुभ कर्म है। आप गंगा में जाकर के स्नान कर लेंगे तो क्या होगा, गंगा वो पाप समुद्र को देगी, समुद्र का जल जो है भाप बनेगा और बादल बनकर फिर जिसने जो पाप किया था उसी के ऊपर बरस जाएगा। तो इसलिए गंगा में स्नान से मुक्ति नहीं मिलेगी, रीते जाना था ना मुक्ति। ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे, प्रेम की गंगा में स्नान करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। दान करेंगे, दान पात्र को देख करके करना चाहिए। आपका दान मानवता के कल्याण के लिए हो तो ये सात्विक दान है। यदि आपका दान प्रतिष्ठा के लिए होता है तो राजसिक दान है। यदि आपका दान धर्म के नाम पर आतंकवाद के फैलाने के लिए होता है तो ये तामसिक दान है और ऐसा दान कभी कल्याणकारी नहीं होता। भक्तजन सबैजनालाई फेरि म ब्रेक लिन चाहन्छु किनभने यहाँहरूबाट उठेका प्रश्नहरू मैले लिएर आएको हो। यो प्रश्न मैले तयार गरेको पनि होइन, भक्तहरूले नै उठाउनु भएका प्रश्नहरू धेरै थिए, तिनै प्रश्नबाट हामीले सङ्कलन गरेर केही प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ र यहाँ महाराज आइपुग्नु भएको हामीले जानकारी प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामीले यी प्रश्नहरू लिएर आयौँ र उहाँसँग यहाँहरूको पनि जिज्ञासा यस्तै प्रकारका जिज्ञासाहरू होलान् भन्ने हेतुले मैले उहाँसँग यी प्रकारका प्रश्नहरू गरिरहेको छु। बिचमा यहाँहरूलाई केही लागेको छ भने प्रश्न दिन सक्नुहुनेछ मलाई, म यहाँहरूको प्रश्न पनि महाराजजीसँग वाचन गरेर अथवा म उहाँलाई त्यो प्रश्न सोध्न तयार नै रहिरहेको छु। यहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि मलाई दिन सक्नुहुनेछ। फेरि पनि म यो संवादलाई बिच अब फेरि जोड्न चाहन्छु। आपको फिर स्वागत है सप्तकोशी टेलिभिजन में। फिर संवाद करेंगे। जीव हत्या, मांसाहार और पशु बलि महापाप क्यों है? ये पाप और पुण्य की परिभाषा व्यास जी ने की है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं हम, उसको पीड़ा होती है, वाणी से कट वचन कहते हैं उसको पीड़ा होती है, या कोई ऐसा आचरण करे जिससे किसी के हृदय को पीड़ा होती है तो वो पाप है। यदि हम किसी प्राणी की हत्या करते हैं तो उसके पहले, हत्या करने से पहले हम अपने उंगली में एक कांटा चुभाएं या उसको चाकू से काटें तो एहसास होगा कि कितनी पीड़ा होती है। इसलिए चारों वेदों में या उपनिषद में, दर्शन में, किसी भी ग्रंथ में पशुओं की बलि का उल्लेख नहीं है। बलि का अर्थ क्या होता है? जैसे पंच यज्ञ किए जाते हैं जो प्रतिदिन एक गृहस्थ के लिए करने योग्य है। ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, भूत यज्ञ है और बलि वैष्णोदेव यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है वेद का स्वाध्याय करना, परमात्मा का ध्यान करना। देवी यज्ञ का अर्थ होता है अग्नि में आहुति देना जिससे कि वातावरण सुधरे। बलि वैष्णोदेव यज्ञ का अर्थ होता है कि जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो पशु पक्षी हैं उनको कुछ खिलाना, ये नहीं कि उन्हीं को मार करके खा जाना। बलि का अर्थ लोगों ने ये लगा लिया कि पशुओं को मार कर परमात्मा के नाम पर खा ले। और ये केवल हिंदू धर्म की बुराई नहीं है, ये इस्लाम में भी है, यहूदी में भी है। सभी पंथों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा का नाम लिया और पशुओं की बलि दी। पशुओं की बलि से परमात्मा की भक्ति का कोई संबंध नहीं है। क्या परमात्मा मांस खाता है? क्या देवी मांस खाती है? नेपाल में एक गढ़ी माई का मंदिर है जिसमें लाखों भैंसों को काटा जाता है। किस नाम पर? जो जगत माता कहलाती है। माता तो दयालु होती है, स्वयं न खाकर बच्चों को खिलाती है। वो स्वयं रात भर गीले कपड़े में रहती है लेकिन अपने छोटे बच्चों को गीले कपड़े पर नहीं सोती।
जो एक मानवीय माँ है वो इतनी दयालु है, तो जो जगत माता है वो क्यों कहेंगे कि भैंसों को काटो मैं उसका खून पीऊँगी। ये उल्टी व्याख्या कर दी गई और सत्य की व्याख्या न समझने के कारण पूरे देश में ये जहाँ जहाँ देवी के मंदिर होते, कामाख्या जाइए, कलकत्ता जाइए, विंध्याचल जाइए, सब जगह खून की नालियाँ बनाई है। और ये धर्म के नाम पर एक भयानक पाप है। इसलिए कोई ये सोचता है कि मैं पशुओं की बलि चढ़ाकर मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ तो महापाप कर रहा है। इस भ्रम को कैसे चीरें? क्या भ्रम को कैसे चीरें आप? इस भ्रम को दूर करने के लिए संसार में ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। देखिए भारतवर्ष में 70 लाख महात्मा हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि निठल्ले हैं। 70 लाख में यदि 1 लाख या 50 हजार भी, मैं समझता हूँ 5 हजार भी दृढ़ संकल्प लेंगे कि संसार की सारी बुराइयों को दूर करें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो गृहस्थों में पढ़े लिखे लोग हैं वे 60 साल के बाद वानप्रस्थी बने और दृढ़ता से संकल्प करें कि सारी बुराइयों को दूर करना है तो सारी सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घरों में बैठे हैं, जो महात्मा है घर द्वार छोड़कर बैठे हैं, वो मठों और आश्रमों में आराम कर रहे हैं, तो कोई मिटाना नहीं चाहता। उन पशुओं की पीड़ा को कोई नहीं देख रहा है कि उनको कितना कष्ट होता है। ये करुणा तो बुद्ध के अंदर आई थी और उन्होंने इसके विरुद्ध में अभियान छेड़ा था। अब यदि ज्ञान का फैला होगा, मनुष्य का हृदय कोमल होगा, तभी तो इसको मिटाना चाहेगा। आधुनिक भौतिकतावादी युग में बच्चों की सही परवरिश का तरीका क्या है जिससे उन्हें डिप्रेशन, तनाव, आत्महत्या, अनिद्रा आदि मानसिक बीमारियों से दूर रखा जा सके? देखिए मनुष्य जब परेशानी का अनुभव करता है, मानसिक तनाव से जो जैसे वो गुजरता है वो आत्महत्या की तरफ उजागर हो जाता है। मानसिक तनाव क्यों होते हैं? यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे जीवन में कभी कष्ट न मिले तो ये संभव नहीं है। इस संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं सबको संघर्ष करना पड़ता है। पांचों पांडवों को देखिए, धर्मराज, युधिष्ठिर है जिसके अंदर, उनको भी 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ता है, 1 वर्ष का जातवास झेलना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्षों तक वन में नंगे पाँव जाना पड़ता है। हरिश्चंद्र को चंडाल के यहाँ बिकना पड़ता है। योगेश्वर श्री कृष्ण को ब्रज से लेकर द्वारिका तक जाने पर राक्षसों के अत्याचार कारण प्रजा की सुरक्षा के लिए उनको द्वारिका जाना पड़ता है। महाभारत युद्ध का नेतृत्व करना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिसने संघर्ष न किया हो, जिसने कष्टों को झेला न हो। नई पीढ़ी को जब धार्मिक ज्ञान नहीं मिलता तो क्या होता है? आजकल एक ऐसी विकृत मानसिकता पैदा कर दी गई है। देखिए इंग्लैंड में ही अंग्रेजी पूरे इंग्लैंड में भी नहीं बोली जाती है। इंग्लैंड का एक भाग है आयरलैंड, उसमें आयरिश भाषा है। फ्रांस में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जर्मन में जर्मन ही बोली जाएगी, अंग्रेजी नहीं बोली जाएगी। केवल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन एक धारणा बना दी गई है कि अंग्रेजी विश्व की भाषा है। जैसे जैसे कॉन्वेंट स्कूल खोलते हैं उसमें आध्यात्मिकता की शिक्षा तो नहीं मिलती है। परिणाम जो भारतीय जन संस्कृत में जो पैदा हुआ बच्चा है, भारत और नेपाल को दोनों ही समझना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से तो दोनों एक ही देश हैं, राजनीतिक रूप से दो देश हैं, संस्कृत दोनों की एक है, एक ही वृक्ष के 2 डालियाँ हैं। तो यहाँ जो जिन संस्कारों में हमारा बच्चा पलता है न तो वो अंग्रेज बन पाता है न भारतीय रह पाता है। परिणाम क्या होता है? जब उसको संघर्ष करना पड़ता है तो घबरा जाता है और वो आत्महत्या की तरफ उतारू हो जाता है। इसका कारण है आत्मबल की कमी। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? अध्यात्म की तरफ ले चलना चाहिए, उसको आहार सात्विक देना चाहिए, ध्यान की तरफ प्रवृत्त करना चाहिए। जब मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा पर आश्रित रहता है तो भयंकर से भयंकर कष्ट को झेल सकता है। यदि वो परमात्मा पर आश्रित नहीं रहता, जरा सी संसारिक असफलताएँ आती हैं, परीक्षा में नंबर कम आ गए तो सोचता है कि आत्महत्या कर लूँ। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। वेद में क्या कहा गया है? अयम मे हस्तो भगवान, यह मेरा हाथ ही भगवान है। अयम मे भगवतरा, यह मेरा हाथ ही श्रेष्ठ कार्य करने वाला है। अयम मे हस्तो विश्व भेज जो अयम शिव, यह मेरा हाथ संसार का कल्याण करने वाला है। भर्तृहरि ने एक बहुत ऊंची बात लिखी है। भर्तृहरि ने क्या कहा है कि त्याज्यम न धैर्यम विद्रे अपिकाले, विपत्ति के समय कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्यात कदाचित स्थितम अपने आशा। यदि मनुष्य धैर्य रखे रहे या विश्वास करे कि आज रात है, कुछ घंटों के बाद सुबह होगा और अभी दहकती हुई गर्मी पड़ रही है,
तो कुछ घंटों के बाद शाम की शीतल हवा भी मिलेगी। तो सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। हर मनुष्य हमेशा सुखी नहीं रह सकता और हर मनुष्य हमेशा दुखी नहीं रह सकता। इस धारणा को जो मानता है वो क्या करता है, जाते समुद्र ही पुत भंगे सान्यांतर को वांछतुर्थ में। यदि नौका से, बड़ी नौका से, जहाज से समुद्र में यात्रा कर रहा है और उसका जहाज डूब जाता है, तो जब तक उसमें प्राण रहता है वो यही संकल्प करता है मैं अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर जाऊँ। जिसमें इतना साहस है वही समुद्र की यात्रा करता है। इसलिए यदि कोई आज का नवयुवक आत्महत्या की तरफ तनाव ग्रसित होता है, पहले तो तनाव ग्रसित नहीं होना चाहिए। आप योगेश्वर श्री कृष्ण को देखें, महाभारत के युद्ध में तीर लगते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं, इसलिए दृष्टा होकर के देखना चाहिए। हार हो, जीत हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, सभी अवस्थाओं में सम वही रह सकता है जिसको परमात्मा पर आस्था होती है और वो परमात्मा का ध्यान करता है। इसलिए बच्चों को अध्यात्म की तरह मोड़ना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया सिखाना चाहिए, उनके आहार को सात्विक करना चाहिए। और हमारी संस्कृत में जितने महापुरुष हुए हैं सबकी कथाएं उनको बतानी चाहिए, उनसे प्रेरणा ले कि हम जिस धरती पर जन्मे हैं उस धरती पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो कष्ट झेले लेकिन कभी उन्होंने असत्य के सामने सिर नहीं झुकाया, संसार का मार्गदर्शन किया। तो जो आत्महत्या करता है वो महापाप करता है। स्वर्ग नर्क वैकुंठ आदि स्थान कल्पना मात्र है या वास्तविकता? जो मनुष्य शुभ कार्य करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है, जिसमें सुख की प्राप्ति हो। नरक किसको कहते हैं, जिसमें दुख प्राप्त होता है। दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा यह मानती है कि स्वर्ग कोई स्थान है जहाँ पर अप्सराएं रहती हैं, देवता रहते हैं। तो इसकी वैदिक मान्यता यह है कि स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, अपितु जो मनुष्य ध्यान करता है उस शरीर छोड़ने के बाद जो सुख चाहता है प्रकृति मंडल में उसको सुख मिलता रहता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और जो संसार की वासना से ग्रसित रहते हैं वो इस पृथ्वी लोक पर ही जन्म लेते हैं। जैसे कोई जन्मते ही देखिए राजा के घर में पैदा होता है, उसको हर तरह की सुविधा है, उसका सुंदर रूप है, सुंदर भवन है, अच्छे खान पान में उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति है जो जन्मते ही कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है, आखिर परमात्मा ने किसी को सुख क्यों दिया, किसी को दुख दिया? तो ये अपने अपने सुख और दुख का जो भोग है शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। एक दूसरी मान्यता भी है कि सृष्टि सबसे पहले कहाँ पैदा हुई, मानसरोवर झील, जहाँ मानसरोवर झील है वो कश्मीर का क्षेत्र है, वहीं पर सबसे पहले मानवीय सृष्टि पैदा हुई। ब्रह्मा आदि जितने महापुरुष हैं, देव पुरुष हैं, वहाँ पैदा हुए और वह संख्या बढ़ते बढ़ते पूरे हिमालय में छा गई। जो मानसरोवर से लेकर बद्रीनाथ तक का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। महाभारत में वही वर्णन है कि इंद्रपुरी वही थी। इंद्र किसको कहते हैं, जो देवताओं, देवता किसको कहते हैं, जो सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है, उसको देवता करते हैं। मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त करता है, मनुष्य ही राक्षस होता है। ऐसा नहीं कि देवता आकाश में रहते हैं। जो हिमालय पर रहने वाले सृष्टि के प्रारंभिक ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, उन्हीं को देवता कहा जाता था, क्योंकि ये सपने में भी न झूठ बोलते थे, न मांस भक्षण करते थे, न शराब का पान करते थे, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखते थे, इनको देव पुरुष कहा जाता था। इनमें जो सबसे अधिक त्यागी होता था, ब्रह्मचारी होता था, विद्वान होता था, उसको इंद्र का पद दिया जाता था और वो सारे संस्कृत की रक्षा करता था। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, मैदानी भाग की तरफ लोग चलते गए, मध्य भारत तक गए, फिर दक्षिण भारत तक फैल गए, यहीं से सारे संसार में सृष्टि फैली है। तो ये हिमालय में जो इंद्रपुरी का वर्णन है वो बस ये दिखला सकता है कि वो स्वर्ग है यहाँ के लोगों के लिए। योगियों के लिए जो स्वर्ग है वो सारी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति मंडल में है। और जो पौराणिक मान्यता है वो तो 14 लोक की कल्पना कर लेते हैं, वो वैकुंठ की भी कल्पना कर लेते हैं, वे 84 नरक के कुंड मान लेते हैं। लेकिन ये 84 जो लाख योनियां हैं सभी में दुख है। एक सुअर को देखिए, उसको कितना तड़पा तड़पा कर काटा जाता है। एक बैल को देखिए, जब तक जवान रहता है लोग उससे काम लेते हैं, बुढ़ापे में कसाई के खाने हाथ भेज देते हैं, तो वो तो इस दुनिया में रहकर ही कष्ट झेल रहा है। इसलिए स्वर्ग और नरक इस संसार में ही है। जो
शुभ कर्म करते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है, उनके लिए वो स्वर्ग है। जो दुख भोगते हैं वो बुरे कर्म करते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा शुभ और अशुभ कर्म से परे उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे वो स्वर्ग और नरक दोनों से परे होकर एक शाश्वत ब्रह्मानंद की प्राप्ति करे। वह आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसको पाने के बाद जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, और जो उस परमात्मा के अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह सुख और दुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्राणनाथ जी की वाणी जो इसका वर्णन मैंने किया था, वो कहती है कि कैकोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन के समान। उस परमात्मा के प्रेम में डूबने पर, ध्यान में डूबने पर एक पल में जो आनंद प्राप्त होगा, उसके सामने तो करोड़ों बैकुंठ का राज भी फीका है। इसलिए स्वर्ग और बैकुंठ की कल्पना से परे हटकर मानवता के कल्याण के लिए मनुष्य को शुभ आचरण करना चाहिए। वेद, गीता, भागवत आदि ग्रंथों के आधार पर मूर्ति पूजा उचित है कि अनुचित? मूर्ति सर्वयोनिय। देखिए, वेद में कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। परमात्मा जिसने अनंत सृष्टि को बनाया है, उसने अनंत प्राणियों को बनाया है, ये जितने बैठे हैं सब चेतन मूर्तियां हैं। मनुष्य का जब अज्ञानता से ग्रसित होता है, उसने सोचा कि परमात्मा तुम मुझे क्या बनाएगा, मैं ही तुझको बनाऊंगा, तुमने मुझे बंधन में क्या रखा, मैं देखो कमरा बनाकर तुमको उसमें बंद कर दूंगा, ताला भी लगा दूंगा, जब मैं खिलाऊंगा तब तुम्हें खाना पड़ेगा, जब मैं ताला खोलूंगा तब तुम बाहर निकलोगे। तो मनुष्य ने तो मूर्ति बनाकर परमात्मा को एक कैदी बना दिया है। चारों वेदों में, चार उपवेदों में, छह अंग, छह उपांग, 1127 शाखा गीता में कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। यह मूर्ति पूजा चली है जैनियों से और बौद्धों से। जैन की विचारधारा है कि कोई अनादि परमात्मा नहीं है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद को मानता है। जब वेदों का आचरण करने वाले बामार्गियों के प्रभाव में आ गए, बामार्गियों ने कहा कि मांस खाने से, शराब पीने से मोक्ष प्राप्त होता है, इन्हीं बामार्गियों ने शाक्त संप्रदाय की कल्पना की, देवी की पूजा के नाम पर इन्होंने वेद मंत्रों के उल्टे अर्थ लगाए। जैसे वेद में कहा गया है गोमेद, गोमेद का अर्थ होता है गो, का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है किरण, गो का अर्थ होता है गाय। अग्निकुंड में शुद्ध पदार्थों की आहुति जाले जिससे सुगंध फैले, इन्होंने अर्थ निकाला गाय काट का हवन कर दो, क्योंकि इन्हें गाय का मांस खाना था। इन्होंने बैलों को हवन कराना शुरू किया, घोड़ों को हवन कराना शुरू किया, क्योंकि ये तो भोगी विलासी लोग थे, इन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया था, परिणाम क्या, वेद के मंत्र रट लिया था। सारे देश में जब पशुओं की हत्या करके उनके मांस की आहुति दी जाने लगती, ये कार्य केवल असुर करते थे, ये कार्य देवताओं का नहीं था, ऋषि मुनियों का नहीं था। बुद्ध ने इसका विरोध किया कि मैं ऐसे परमात्मा को, ऐसे यज्ञ को और वेद को नहीं मानता। परिणाम यह हुआ कि सारे देश में बौद्ध मत का फैलाव तो हो गया। अब परमात्मा को मानते नहीं थे तो उनके शिष्यों ने बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। जैनियों ने अपने 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पौराणिकों ने 24 अवतारों की कल्पना की और अपने अपने भगवान मानकर मूर्तियों की पूजा शुरू की। महाभारत काल से पहले इस भारतवर्ष की धरती पर कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लोग संध्या करते थे, हवन करते थे, अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते थे। जो जिस महापुरुष की मूर्ति बनाई जाती है, अब देखिए भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, त्रेता में हुआ, आज तक 28 बार सतयुग बीत चुके, 28 बार त्रेता बीत चुका। ये तो इस 28वें त्रेता में राम आए हैं। उसके पहले जब सृष्टि बनी थी उस समय तो कोई था ही नहीं। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, ब्रह्मा जी पुष्कर में, उनका क्षेत्र है हिमालय में, सभी ऋषि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों हिमालय में रहते हैं। सोचा जाए जब सृष्टि पैदा नहीं थी तब भी तो परमात्मा था। इसलिए अलग अलग महापुरुषों के नाम पर मूर्तियां बनाई गई हैं, उनकी पूजा होती है। वेद में किसी की भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं विश्वास के साथ, भगवान कहीं भगवान मिल जाएगा, इस विश्वास के साथ मंदिर जाते हैं। तो आप अभी बोल रहे हैं मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदू धर्म का, देखिए ये हिंदू कुश से लेकर ये जितना बर्मा है, नेपाल है, भूटान है, लंका है, और जो आज पाकिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान, ये सब की आर्यावर्त की संस्कृति रही है। सृष्टि में सबसे पहले वेद का प्रकटन हुआ। वेद 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए,
वेद का अवतरण हुए, सृष्टि के प्रारंभ हुए। जिस ईश्वरीय ज्ञान में ये लिखा ही नहीं है, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, यो आत्मनिष्ठति अंतरो, परमात्मा कहाँ है, आत्मा के अंदर है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत, हे अर्जुन परमात्मा कहाँ है, सबके हृदय मंदिर में। परमात्मा ने सबके अंदर अपना मंदिर पहले से बना रखा है। जब पहले से मंदिर बना रखा है तो ईंटों का चबूतरा बना बना करके करोड़ों रुपया जो बर्बाद हो रहे हैं, आप देखिए तिरुपति का जो मंदिर है उसका प्रतिदिन का चढ़ावा 2 करोड़ है, 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा, अब तो 1200 करोड़ हो गया है। 1200 करोड़ रुपया एक वर्ष का चढ़ावा होता है। मैं एक भारत के एक मंदिर की आमदनी बता रहा हूँ। यदि 1200 करोड़ में 100 करोड़ की 12 विश्वविद्यालय हर वर्ष बन सकते हैं, 10 वर्षों में 120 विश्वविद्यालय बन सकते हैं, और उस आमदनी से सारे संसार को ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन जो भगवान मंदिर में बैठा हुआ अपने ही भक्तों से आशा करता है कि वो मुझे चढ़ाए मुझे चढ़ाए, पैसा तो पंडित पुजारी लेते हैं, सरकार लेती है, भगवान तो बेचारे खाते भी नहीं। इसलिए ये मूर्ति पूजा एक व्यापार है, मैं इसको धर्म की बात नहीं मानता, क्योंकि वेद शास्त्र में गीता में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। पुराणों में उल्लेख है और पुराणों में वेद विरोधी बातें हैं, मैं वही मानूंगा जो वेद में लिखा है। मृतकों के नाम पर तर्पण श्राद्ध आदि की क्या वास्तविकता है? ये अंधविश्वास है। देखिए श्राद्ध किसको कहते हैं, पहले तो पितर समझना चाहिए। पितर कौन है? जो जीवित माता पिता हैं उनको पितर कहते हैं, जो हमारा पालन करता है। माता जन्म से पालन करती है, पिता अन्य तरीकों से पालन करता है, दूसरे पितर वह है जो ज्ञान से हमारा पालन करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो जो भी हमारे श्रेष्ठ जन है, माता पिता आचार्य कोई सन्यासी जो हमें ज्ञान देता है, वो पितर कहलाते हैं। जब तक ये जीवित हैं तब तक श्रद्धा पूर्वक इनकी सेवा करना श्राद्ध कहलाता है, और इनको इतनी सेवा करें कि ये तृप्त हो जाए आनंदित हो जाए, इसको तर्पण कहते हैं। मरे हुए का न तो श्राद्ध होता है और न तर्पण होता है, ये तो गरुण पुराण को लिखने वाले पंडित लोगों ने ये श्राद्ध और तर्पण का आडंबर चला रखा है। वेद में ये सब श्राद्ध तर्पण नहीं होता है, अपभ्रंश नहीं, एक व्यापार, धर्म के नाम पर समाज को भटकाने का व्यापार है। क्योंकि आम जनता संस्कृत नहीं पढ़ी है, ग्रंथों को नहीं पढ़ी, उसको जैसा कह दिया जाएगा धर्म के नाम पर वैसा मानने के लिए भी वैसे। विश्व शांति के लिए सच्चे आध्यात्मिक की क्या आवश्यकता है? देखिए संसार में शांति तभी फैलेगी जब संसार में ज्ञान का प्रकाश होगा। आपने देखा IS की विचारधारा क्या है कि बंदूक के बल पर हम सारी दुनिया को इस्लाम के अंदर लाएंगे। उनको कुरान का अर्थ ही नहीं पता, न उनको इस्लाम का पता है, उनको तो जो मौलाओं ने पढ़ा दिया है, जो कट्टरवादी मानसिकता डाल दी है वही है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जो कट्टरवादी मानसिकता क्रिश्चियन विचारधारा का भी वो होता है, वो क्या उसको सिखा दिया जाता है, देखो राम कृष्ण शैतान है। ईसा ने तो प्रेम सिखाया, उनके अनुयायी क्या सिखाते हैं, घृणा सिखाते हैं। भारतीय संस्कृत में क्या माना जाता है, तत्र कः मोहः कः शोकः योगत्वम् अनुपश्यत। जब गर्म हवा बहती है तो सबको लगती है। वैसे जो तामसिक विचारधारा है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, अरब हो, पाकिस्तान हो, सब जगह संसार का विध्वंस करने वाली होती है। भारत में ये कहा गया है, गीता में एक बहुत सरल बात कही गई है, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो सब में एक चेतना को देखता है वही पंडित कहलाता है। पंडित कौन है, जिसको ब्राह्मण में, चंडाल में, कुत्ते में और गाय में भेद प्रतीत न हो, उसको लगे कि सबके अंदर एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है। तो यदि हम किसी को छोटी जात का समझकर घृणा करते हैं तो यह वेद के अनुसार महापाप है। हिंदू समाज ने अपने ही भाइयों को दलित कर अछूत करके घृणा की, ये उन्होंने पाप किया। जो कुरान पढ़ने वाले हैं उन्होंने तलवार के बल से सबको इस्लाम में शामिल करना चाहिए। जो पादरी लोग हैं वो धन के नाम पर सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा के नाम पर उसका धर्म खरीद लेते हैं, उसकी संस्कृत खरीद लेते हैं और बाद में कहते हैं कि ये बाइबल के अनुसार राज्य चलेगा। जैसे नागालैंड में जाइए, वहाँ आप जैसे यहाँ मंच लगाए हैं वहाँ मंच नहीं लगा सकते, सबसे विरोध कौन करेगा, जो प्रेम का नाम लेकर चलते हैं। यदि ईसा मसीह प्रेम सिखाते हैं तो उनके अनुयायियों को चाहिए कि वो सारे संसार के लिए प्रेम की भावना सीखे। धर्म, धर्मांतरण का अर्थ होता है राष्ट्रांतरण, इससे किसी का धर्म नहीं बदलवानी चाहिए। आप गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, चिकित्सा से
या शिक्षा से तो वो कीजिए, लेकिन किसी की मान्यता को धर्म धन के लोभ में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब सभी धर्म को समझ जाएंगे कि धर्म क्या है, सारी सृष्टि के लिए है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे, जो अभी मैंने कहा कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, हर व्यक्ति धैर्यवान, क्षमा, हम दूसरे के अपराध को क्षमा करें, धृति, क्षमा, दमा, हमारा मन हम इंद्रियों से बुरे कार्यों में लिप्त न हो, यह दमा, अस्तेयम, चोरी न करें। आज सारे संसार में गरीबी है, हर व्यक्ति गरीबी को दूर करना चाहते हैं, जानते हैं धर्म का एक लक्षण है चोरी न करना। यदि सभी लोग चोरी करना बंद कर दे तो संसार में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। सब्जी बेचने वाला भी चोरी करता है, दूध बेचने वाला भी पानी मिलाता है, जो मिनिस्टर होते हैं वो भी चोरी करते हैं, जब राजा से लेकर रंग तक प्रजा राजा सभी चोरी कर रहे हैं तो संसार में धन कहाँ से आएगा। इसलिए जो योग दर्शन में लिखा है कि अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थान, मनुष्य चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी रत्नों की प्राप्ति उसको स्वतः हो जाएगी। भारत हो चाहे ये नेपाल हो चाहे बिहार, कहीं भी दुनिया में जहाँ चोरी होती है वहाँ धन नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो धर्म का एक लक्षण अस्ते चोरी न करने की व्याख्या बताई। तो चोरी न करना, शौच, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, क्रोध न करना, सत्य बोलना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जो इनको पालन करता है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी धार्मिक है, जो इसका पालन नहीं करता, चाहे वह मंदिर में रहे, चर्च में रहे, मस्जिद में रहे, गुरुद्वारे में रहे, वो धार्मिक नहीं कहला सकता। इसलिए संसार में ज्ञान की आवश्यकता है। सत्य ज्ञान फैलाइए, सबको एक परमात्मा का बोध कराइए, उसको कर्मकांडों से परे रखिए, संप्रदायों के झगड़े से परे रखिए, तो जब सबको एक सत्य का बोध हो जाएगा तो सारे संसार में शांति फैल जाएगी। लेकिन यदि आपने बड़े बड़े मदरसे बना रखे हैं, बड़े बड़े आश्रम भी कर रखे हैं, कोई किसी भी पंथ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सारे संसार को एक परमात्मा की संतान जब तक नहीं माना जाएगा, सारे विश्व को अपना परिवार नहीं माना जाएगा, सबके कल्याण की भावना नहीं भरी जाएगी, तब तक संसार में शांति नहीं हो सकती। जैसे एक मुस्लिम कहता है कि मेरे मोहम्मद और इस्लाम के सिवा सब काफिर हैं, वो भी गलत है। एक क्रिश्चियन यदि कहता है कि रामकृष्ण शैतान है तो भी गलत कहता है। हम किसी को कहें कि ये मलेच्छ है, यवन है, हम भी घृणा करें तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। धर्म यही सिखाता है कि परमात्मा एक है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग रूप रंग है, लेकिन हम सबके अंदर एक चेतना को देखें, सर्वा असा मम मित्रम भवन, सत्य का आचरण करते हैं तो सत्य ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। जिसने सत्य को समझ लिया उसने धर्म को समझ लिया और उसने परमात्मा को समझ लिया। तो ये जो मजहबी उन्माद है, नाम दिया जाता है धर्म का, वास्तव में ये संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग पूजा पद्धति होती है, वेशभूषा है, कोई चोटी रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई भगवे पहनता है, कोई काले वस्त्र पहनता है, तो ये वेशभूषा है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। जो परम सत्य है वह धर्म है, और जब उस पर हम चलते हैं तो इससे संसार का कल्याण होगा। मसँग दुईवटा प्रश्न आएको छ, फेरि हो यहाँहरू माझबाट नै आएको होला, लगभग लगभग मेरो प्रश्नहरू चाहिँ सकि नै सकेको छ, र गुरुजीले भन्नुभए जस्तै, महाराजजीले भन्नुभए जस्तै, यहाँहरू पनि मन्दिर मठ मन्दिरहरू त धाउनु नै हुन्छ होला अवश्य पनि, मठ मन्दिर धाएर चाहिँ परमात्मा पाइन्छ अथवा भगवान् पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मात्र भ्रम हो भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। परमात्मा हाम्रो हामीभित्र नै हुनुहुन्छ, हाम्रो मनभित्र नै बास गर्नुभएको छ, र मानव पूजा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने कुरा पनि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। म यहाँहरूबाट प्राप्त भएको प्रश्न दुईवटा छ, म महाराजजीलाई सोध्न चाहन्छु। विश्वमै निजानन्द सम्प्रदायका देन क्या है? देखिए, जिसको हम निजानन्द सम्प्रदाय कहते हैं, कहने के लिए सम्प्रदाय है, वास्तव में यह विश्व धर्म की मान्यता को लेकर चलता है। निजानंद का तात्पर्य है सच्चिदानंद परब्रह्म की आनंद शक्ति ने जो तारतम ज्ञान का प्रकाश किया है, वह तारतम ज्ञान जो वेद और कतेब की दोनों धाराओं को जोड़कर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक सत्य मार्ग दर्शाता है और यह बताता है कि सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। आप उसको खुदा कहिए या ब्रह्म कहिए,
उस है तो वो सब का भाषा का वेशभूषा का अलग है, आप उसको कोई सुप्रीम ट्रुथ गार्ड कहता है, कोई अल्लाह ताला कहता है, तो शब्दों के जाल में न पढ़कर सभी धर्म ग्रंथों के सत्य को ग्रहण करें और सबको ध्यान अवस्थित होकर उस परमात्मा को पाने का अधिकार है। इसके लिए कोई वेशभूषा रूप रंग जाति पाति का बंधन नहीं है, संप्रदाय का बंधन नहीं है। परमात्मा के उस ज्ञान को जो मैंने अभी कहा कि 133 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है, उसको मुस्लिम भी पढ़ सकता है, क्रिश्चियन भी पढ़ सकता है, उसमें वेद उपनिषद दर्शन गीता भागवत सबके सार तत्व को दर्शाया गया है। और जो सार तत्व किसी की समझ में नहीं आ रहा था, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उच्चार अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, लेकिन गीता के प्रवचन करने वाले ये नहीं जानते कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है, भागवत के प्रवचन करने वाले ये नहीं बता सकते कि जब गोपियों ने शरीर छोड़ा था तो महाराज की लीला कहाँ हुई थी और इस संसार का क्या हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर किसी भी भागवतकार के पास नहीं है। वेद वालों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि त्रिपाद उर्द उदयित पुरुष त्रिपाद अमृत के परे वो स्वरूप कहाँ है। वेद का एक प्रश्न है कि ये समस्त जगत जो दिखाई दे रहा है असंख्य गैलेक्सियों वाला, ये सारा आधे में है, तो इस जगत का आधा का कहाँ है, वेद के पास वेद के विद्वानों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेकिन इन प्रश्नों का बहुत सरलता से समाधान जो है प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी में होता है। कुरान के जो हरूफ अलिफ लाम मीम में इसका अर्थ इनको नहीं पता। बाइबिल में जो कहा गया है कि वह जो सुप्रीम ट्रुथ गॉड का जिसको हेवेंस है, जो वास्तविक हेवेंस है जिसको स्वर्ग कहा गया, वो कहाँ है, क्योंकि इस संसार में प्रकृति मंडल के जो स्वर्ग हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे। ये ओल्ड टेस्टामेंट में एक प्रसंग आता है सोलमंस के गीत का जो अध्याय है, सोलमंस का गीत, उसमें वर और वधु का प्रसंग है। वर कौन है? परमात्मा। वधु कौन है? उसकी आत्मा। आत्मा और परमात्मा को वर वधु के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन यह रहस्य खुलता है केवल प्राणनाथ जी के तारतम्यवाणी से। इसलिए यह तारतम्यवाणी सारे संसार को एकत्रित कर एक आंगन में लाकर एक सत्य की पहचान कराने वाली है। हिंदू धर्म में जो 1000 संप्रदाय हैं वे तो अपनी अपनी बात कहेंगे, कोई शंकर जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का, कोई गणेश जी का, कोई देवी का, सब आपस में लड़ते रहेंगे, सब कहेंगे कि केवल हमारा पंथ सही है, सब झूठे हैं। लेकिन यह वाणी कहती है जिनको झगड़ो आप में धनी सबों का है, सभी लोग लड़े झगड़े नहीं, मैं उनके ही ग्रंथों से उनके सत्य की पहचान कराता हूँ, ये हमारी वाणी कहती है। और निजानंद संप्रदाय शब्द नहीं लिखना चाहिए क्योंकि संप्रदाय शब्द बहुत छोटा है, ये सच्चिदानंद परब्रह्म की आवेश शक्ति से कहा गया है, इसमें तारतम ज्ञान का प्रकाश है, ब्रह्म की जागृत बुद्धि ने इस ज्ञान को दिया है, इसलिए इसको संप्रदायों की परिधि से अलग रखकर वैश्विक धर्म के रूप में देखना चाहिए जो सबको एक सत्य का बोध कराता है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ शासक का क्या लक्ष्य है? प्राणनाथ ज्ञानपीठ का एक ही उद्देश्य है, संसार में सत्य का फैलाव करना, सत्य फैले। हम किसी संप्रदाय का नहीं प्रचार करते, ज्ञानपीठ सारे देश के लिए है, सारे संसार के लिए है। संसार का कहीं कभी रहने वाला ज्ञानपीठ में आए उसका स्वागत है, उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी, उसका प्रांत नहीं पूछा जाएगा, उसका संप्रदाय नहीं पूछा जाएगा, यही प्रयास किया जाएगा कि जैसे अभी ज्ञानपीठ ने 133 भाषाओं में प्राणनाथ जी की वाणी का अनुवाद किया है, वो सबके पास फैले, चाहे मुस्लिम है तो मुस्लिम बना रहे लेकिन उस सत्य को जाने जो कुरान में लिखा है, कोई क्रिश्चियन है तो उस सत्य को जाने जो उसकी बाइबिल में लिखा है, लड़ाई झगड़ा बंद करें, ईर्ष्या द्वेष घृणा की अग्नि बंद करें, और जो हिंदू हैं 1000 पंथों में बटे हुए हैं वे वेद में क्या लिखा है, उपनिषद दर्शन में क्या लिखा है, तारतम्यवाणी उनको दर्शाती है। भएको उत्तरहरूबाट यहाँहरूले सुन्न खोज्नु भएको या बुझ्न खोज्नु भएको सबै कुराहरू प्राप्त पनि भइसक्यो होला, र धर्म श्राद्ध हामी पितृहरूलाई तर्पण दिने कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ, होइन दिन्छौँ पनि। जीवित हुँदाखेरि नै पितृको राम्रो उद्धार गर्न सकियो, पितृहरूलाई माया गर्न सकियो, वृद्ध वृद्धहरूलाई माया गर्न सकियो भने त्यो नै ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ, र पितृ श्राद्ध गरिराख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले अघि जानकारी गराइसक्नु भएको छ यहाँहरूलाई। यहाँहरूले पनि आफ्ना घरमा रहनुभएका आमा बुबाहरूप्रति एकदम धेरै माया मोह गरेर उहाँहरूलाई राम्रोसँग राख्नुभयो भने यहाँहरूको जीवन पनि सफल हुनेछ भन्ने कुराहरूको जानकारी प्राप्त गराइदिइसक्नु भएको छ गुरुजी महाराजले। म यहाँहरूको अरू प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू फेरि पनि राख्न चाहन्छु।
आप लोग बार बार प्राणनाथ की जी का नाम लेते हैं, वो क्यों? ऐसा है, प्राणनाथ हम किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं। प्राणनाथ का अर्थ होता है जो हमारे जीवन का आधार है, जो सारे ब्रह्मांड का आधार है। एक परमात्मा जिसको एक क्रिश्चियन सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहता है, मुस्लिम अल्लाह ताला कहता है, वेद को मानने वाले जिसको एक अद्वितीय सच्चिदानंद परब्रह्म कहते हैं, उसी को हम प्राणनाथ कहते हैं। जो प्राण का अर्थ होता है जीवन, जो हमारे जीवन का आधार है, हमारा इतना उससे प्रेम है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। यहाँले कसले लेख्नु भएको थियो प्रश्न, यो प्रश्नको उत्तर अवश्य पनि पाउनुभयो होला। प्राणनाथको अर्थ के हो भन्ने कुराहरू जानकारी पाउनु नै भयो होला। फेरि अर्को प्रश्न रहेको छ, सबके प्राणनाथ जी के शरणमै जाना ही चाहिए? परमात्मा सबका एक है, हंसकर न जाए तो रोकर तो उस परमात्मा की शरण में सबको ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसी ने सृष्टि को पैदा किया है, वही सबको मोक्ष देगा, वही आनंद देगा, वही सबका पालन करने वाला है। बड़ा से बड़ा नास्तिक भले ही जीवन भर कहेगा कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ, मरते समय जब मृत्यु का भय आता है तो उसको भी लगता है कि हाँ कोई परमात्मा है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान सकल गुण निदान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत है, उसी को हम प्राणनाथ कहते हैं और उसकी महिमा का प्रकाश करते हैं, उसकी पहचान देते हैं कि सारा संसार एक सच्चिदानंद परमात्मा को माने। हस, बहुत बहुत आभार आपको, और विशेष आपने भक्तजन सब लोग को जो प्रश्न था उसका निराकरण कर दिए हैं। तो अब चाहिँ म मेरो प्रश्नहरू मेरा सकिसकेका छन् र यहाँहरूको प्रश्नहरू पनि लगभग सकिसकेको छ होला। मैले गुरुजीसँग गर्नुपर्ने प्रश्नहरू सबै गरिसकेको छु र हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ, नभए पनि हाम्रो पेजमा गएर हेर्नुभयो भने पनि यहाँहरूले यो संवादलाई देख्न सक्नुहुने नै छ भन्दै म यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँहरू माझबाट पनि म ओझेल हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।